उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सीएमओ द्वारा जूम मीटिंग में बीपीएम कर्मियों को नकारा और कामचोर बताकर स्थानांतरण करने की बात कहने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी भड़क गए और मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में सीएमओ डॉक्टर सुधीर कुमार गर्ग को ज्ञापन दिया और कहा कि 8 जुलाई को जूम मीटिंग में आपके द्वारा जनपद की बीपीएम यूनिट को नकारा और निकम्मा बताया गया है। 60 संविदा कर्मियों को स्थानांतरण का संकेत देने का कर्मचारी विरोध करते हैं। संविदा कर्मियों ने कोविड-19 में जान पर खेलकर जनता की सेवा की है। स्थानांतरण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। मनोज कुमार ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए सीएमओ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कर्मचारियों का वेतन भी समय से उनके खाते में नहीं आ रहा है। कोरोना काल में 5 कर्मियों द्वारा अपनी जान गंवा देने पर भी स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी उनके घर संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। संविदा कर्मियों ने स्थानांतरण की साजिश को किसी भी कीमत पर सहन न करने और 3 दिन के भीतर समस्याओं का निराकरण न करने पर सामूहिक त्याग पत्र की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश बरेली से अजय चंद्र की एक रिपोर्ट। जानना चाहेंगे किस संदर्भ में आप ज्ञापन देने सीएमओ को आए हैं? जी, हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं उनकी जो शैली है खासतौर से संविदा कर्मचारियों के प्रति, उसको लेकर बहुत ही रोष है और नियमित रूप से जो हमारी बैठकें जूम पे या किसी अन्य माध्यमों से होती हैं उनमें लगातार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करा जा रहा है। इसी क्रम में कल एक जूम बैठक में सारी बीपीएम यूनिट को, हमारे जो 15 बीपीएम है, बीसीपीएम है, एमसीटीएस ऑपरेटर हैं और बैम हैं, उनको नाकारा निकम्मा घोषित किया गया और उनको ये धमकी दी गई कि आप 3-3 ब्लॉक का अपना नाम दीजिए अपने अलावा, और नहीं देंगे तो हम 60 लोगों का ट्रांसफ़र अपनी मर्जी से जहाँ चाहेंगे दूर दराज में कर देंगे। जैसा कि मिशन निदेशक महोदय ने इस संबंध में पहले स्पष्ट दिया है कि संविदा कर्मचारी का ट्रांसफ़र ऐसे नहीं कर सकते। मिशन निदेशक महोदय और जो डीएचएस के हमारे डीएम साहब हैं उनसे अनुमति लेनी है। और दूसरा विषय ये भी है कि जो ग्रीवांश कमेटी की बैठक हमारी जीआरसी की होती थी, जिसके लिए खुद मिशन निदेशक महोदय ने उसकी स्थापना की थी, वर्तमान जो सीमो साहब आए हैं, मेरे बार बार अनुरोध करने पर, चूंकि मैं ग्रीवांश कमेटी का मेंबर भी हूँ, उन्होंने कभी भी इस बात को तवज्जो नहीं दी और मुझे हर बार टरका दिया और कहा क्या होता है ग्रीवांश और कैसा क्या होता है, कुल मिलाकर एक भी बैठक आज तक नहीं हुई। ये बात ये दर्शाती है कि उनको हमारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और साफ साफ मिशन निदेशक महोदय के जो निर्देश हैं उनका उल्लंघन करना है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात संवेदनहीनता की यह है कि हमारे 6 कर्मचारी शहीद हुए। मैं शहीद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कोरोना में बहुत सेवा करी लोगों की और वो कोविड में इन्फेक्टेड होकर अपने उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया। इसमें हमारे 5 कर्मचारी संविदा के थे और एक हमारे जो भाई थे वो हमारे परमानेंट के थे, नियमित के। एक भी फ़ोन कॉल या एक भी अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं गया उनके परिवारों में। मैं और मेरे महामंत्री जब उन परिवारों में गए तो उनका ये कहना था कि हमें तो ये लग ही रहा कि हमारा कोई साथ, हमारे घर के लोग वो जो एक्सपायर हुए हैं किसी विभाग में काम करते थे, अगर विभाग में काम करते तो विभाग उनके पुरस्कार लेने आता। साथ ही साथ 50 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से उनको मिलनी थी, जिसके कागज प्रपत्र इन्होंने ये कहकर लौटवा दिए कि सारे डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल हैं यानी हमें प्राप्त नहीं हुए, जबकि एक फ़ोन कॉल तक नहीं की। संगठन ने अपने प्रयास किए, उन परिवारों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास किए और दोनों ने मिलकर वो फाइल भेजी है। अब आज तो ये विषय है, आज हम सभी लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर, करीब 60 लोग हैं हमारे, साथ ही साथ हमारी जिला कार्यकारिणी पूरी बरेली की यहाँ पर है, मंडल कमेटी है हमारी, प्रदेश अध्यक्ष को हमने अवगत करा दिया है सबसे, और हम 2 दिन का समय दे रहे हैं इनको। एक तो जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि हम 60 लोगों का ट्रांसफर कर देंगे, उसको तत्काल रद्द करें, वो नियम विरुद्ध है। कोरोना की तीसरी महामारी, तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, जनहित के विरुद्ध है वो। साथ ही साथ ये भी है कि जो इनकी भाषा शैली है उसमें सुधार करें, ऐसे में काम करना उनके अंडर में मुश्किल हो जाएगा। गोंडा में जब डीएम साहब ने एक एसीएमओ साहब को कुछ बोला है और 18 मेडिकल ऑफिसर अपना इस्तीफा मेज पर दे आए हैं, तो हम भी ये करते हैं कि अगर नहीं उनको लगता है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपने समेत जो जो लोग इच्छुक होंगे उनका इस्तीफा भी हम रख देंगे। ऑफिस साइड के 4 बटन ऊपर खोल लें।